वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस आज हम फिर से खेलने वाले हैं ग्रैनी। तो गाइस अगर आपने हमारी इस ग्रैनी सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया है। तो गाइस अब आज हम सेकंड पार्ट में इसके सारे जितने भी सीक्रेट्स हैं वे सारे जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइस मुझे दादी के बात पता चली है, बेशरम दादी ने भाई पैट्स पाल रखे हैं जिसने मुझे इसने कुछ बताया भी नहीं है। तो आज मैं इसको मारूँगा भाई, ठीक है। और काफ़ी इसने इसके घर में भाई सीक्रेट्स रूम है, उन सबको हम जानने वाले हैं। ये क्या लिखा है, लव दिस हाउस। हमसे पहले यहाँ पर कोई आया था भाई, चलो आगे चलते हैं। यार मुझे ना ये गेम स्ट्रेटजी से खेलना पड़ेगा, तो मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करूँगा मैं। सबसे पहले तो मैं माल ढूँढ लूँ अपना। हाँ गाइज मुझे इसकी एक बात और पता चली है कि इस घर से भागने के हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो वो सामने जो आप घर देख रहे हैं, गेट देख रहे हैं वो, या फिर गाड़ी। इन दोनों को गाइज हम कुछ करके इनसे भाग सकते हैं। तो चलिए गाइस हम ट्राई करते हैं यहाँ से भागने की। सबसे पहले तो यहाँ दादी आ गई, छुप जाता हूँ यार। यार ये एकदम आ जाती है यार, कई बार तो इसके फुटस्टेप्स की आवाज़ भी नहीं आती है, तप्पा कर देते हैं एकदम पीछे से आके। वो देख लो भाई, निकलना वहाँ से, टाइम वेस्ट करवा लो भाई इससे, कितना ही वहाँ खड़ी रहेगी, जाएगी नहीं अब एक घंटा। फाइनली दादी चली गई है मेरा एक घंटा वेस्ट करवा के। चलो भाई इस रूम में देखते हैं, मुझे बस एक वेपन की चाहिए। वेपन की मिल गई ना तो मेरा गेम आसान होने वाला है। वेपन किस होगा क्या यार, मुझे एक क्रॉसबो मिल जाएगा जिससे मैं दादी को मार सकता हूँ। वो 2 मिनट के लिए बेहोश हो जाएगी, जिससे वो मेरा पीछा नहीं कर सकती 2 मिनट के लिए। तो सबसे पहले मैं उसे ढूंढने की ट्राई करूँगा यार। इसमें भी कुछ नहीं, दादी ने पता नहीं यार सामान कहाँ रख रखा है सारा। एक तो उसका घर है ऐसा, भूल भुलैया, इतने सारे सीक्रेट रूम्स है। इधर क्या है, इसमें भी नहीं। अरे अरे क्या हो गया ये, निकल भाई, गेम अटक रहा है मेरा। ओ ओ भाई वेपन की मिल गई। अरे अटक रहा गया, फिर से अटक गया भाई वेपन। अब मेरा गेम, ओ भाई आवाज़। सबसे पहले तो भागो यहाँ से, ये वाला सीक्रेट रूम हमें मिल गया था, तो इधर चलते हैं। वेपन मुझे पता है कहाँ है भाई, इसके अंदर है। ओ भाई मिल गया, अरे मिल गया, क्रॉसबो उठा, ट्रैंकलाइजर उठा, और चल अब आ जा भाई। दादी दादी के भाई सीधा सिर में जो बोल दूँगा सुबह। आ जा भाई, किधर गई दादी, वो आ गई खेल ले भाई। अब की बार अपने दादी का ऐसा सुहा गुस्सा है, 4 दिन तक उठे नहीं आ, पड़ी रहा। एक बार और मारने की कोशिश करूँगा इसे। अरे उठा ले भाई, यार ये थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल है दादी। पूरा देश बोल रहा है एक ही जुबान, सुबह केसरी, विमल बोलो सुबह केसरी। चलो भाई दादी तो मिर्की के दौरे पड़ रहे हैं, हम तो निकलते हैं। इसके एक और मार देता हूँ यार, ज़्यादा परेशान करती है, जब ही आते हैं मैं जब ही पीछे से पकड़ लेती है। चलो यहाँ से निकलते हैं, सबसे पहले तो मैं डोर में चेक कर लेता हूँ, पता था कुछ मिलने नहीं वाला। ये क्या है, सीक्रेट रूम पाएगा पक्का। अरे गाइस एक और सीक्रेट रूम मिल गया यार हमें। इधर आने का फ़ायदा क्या है, कुछ भी नहीं मिला यहाँ। ये क्या है, बटन पीछे किसका है, क्या ये तो। ओ भाई साहब एक और सीक्रेट रूम, ये क्या है, टैडी। ओ भाई साहब बेशरम दादी को शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी हो रही है फिर भी गुड्डों से खेलती है, बेशरम दादी। ओ ज्यादा ना बोल, तेरा दादा और मैं दोनों खेलते हैं शाम को बैठ के। चलो गाइस इधर तो हमें कुछ मिला नहीं यार, मुझे इसमें सामान नहीं मिलता है। एक और वाह वाह एक और रूम मिल चुका है हमें। पहले तो गेट बंद कर लो, दादी आके मैंने धप्पा कर देगी। सड़ा हुआ मीट रख रखा है, लटका रखा है दादी ने। गेट खोल लो, एक और वाह वाह। ओ भाई साहब सीक्रेट रूम में आ चुके हैं हम, वाह 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 वाह। तालियां बजाओ भाई, तालियां बजाओ। तो भाई इधर देख लेते हैं हम क्या है इसमें। गैसोलीन मिल गया, ठीक है। गैसोलीन का तो गाड़ी में यूज़ होगा ना अभी। ये क्या है पिंज, ओ भाई कौवा मिल गया दादी का। ये क्या रख रखा है इसने, चाबी दे। अरे तू भी दादी, तेरा बेशरम हो रहा है भाई, चाबी दे दे। ये क्या है, एन एम्प्टी बाउल, इसका क्या चक्कर है भाई। शायद इसमें मुझे एक इस कौवे का खाना मिलेगा, वो मुझे इस बाउल में रखना होगा। जैसे वो उड़ के इसमें आएगा मैं जल्दी से चाबी उठा के भाग जाऊँगा। ब्रेनी लगी, अब मैं क्या करूँ यार। तो चलो आगे चलते हैं भाई, दादी को नमस्ते करो, दादी जी प्रणाम। ये हमारी दादी की दादी, हमारी परदादी है, ठीक है। ये गेट खोल लो, इसमें देखते क्या है। अब पार्ट ऑफ शॉट गन भाई, हमारे पास जो सुआ है ना ये वही घोप देंगे हम, शॉट गन की ज़रूरत है ही नहीं हमें। लेट्स गो नीचे चल के देखते हैं। वो भाई गंदा नाल आ गया ये तो, इधर जाने का फ़ायदा नहीं है, फिर भी चल के देखते हैं। दादी आ रही है यार शायद, आ जा दादी तेरे सिर मैं दोबारा से खोप दूँगा। आना आ भाई, कहाँ रह गई,
आवाज करते हैं, वो भाई गायब होगी। हद है भाई, आ जा। एक और झकास चीज दिखाओ क्या? हाँ, इधर आ। फट से चुतर शॉट। दादी का मुंह खुला रह गया। दादी, ओ दादी, रे, अरे ओ भाई, दोरे पड़ गए इसके मिर्गी के। अरे गेट के क्यों बुड़का भर रही है? गेट ना तोड़ा की के। मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। अरे दादी तू निकल जा साइड में, मैंने जान दे, क्यों टाइम वेस्ट कर रही है? वैसे मेरे पास सिर्फ 2 मिनट। निकलो यार यहाँ से, निकलो सबसे पहले तू। ले तू एक और खा, अपनी टाट से खा ले। ये उठाओ और भागो यहाँ से। मैं तो निकला तो यहाँ पे बैठी रहे, मैं तो अपना करूँ भाई भागन की तैयारी। इधर चेक कर लिया था, सबसे पहले मैं ऊपर आ जाता हूँ। ओ भाई मीट दादी मांस सारी ना छोड़ू मैं, मांस सारी दादी बेशर्म, शर्म नहीं आती मांस खाते हुए। ये वैसे इस मीट का क्या चक्कर हो सकता है? इधर क्या है भाई? ये पीस ऑफ पेंटिंग का क्या चक्कर है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वो चेक करते हैं भाई, ये रसोई में जो भी है ये। इधर आ गया हम। अब बुक दादी भी बुक पड़ा है भाई, पता हूँ अंधी आया हूँ या बुक पड़ा है। रेंच मिल गया, रेंच का क्या करूँ मैं? मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, मुझे जितना भी अच्छा अच्छा सामान मिल रहा है वो सबको एक जगह इकट्ठा कर लेता हूँ, जितना भी सामान मिल रहा है। ब्रेनी लगी बस, क्या कहूँ भाई। तो मैं जितना भी सामान है मेरे पास उन सबको यहाँ इकट्ठा करता हूँ। तो गाइस अब मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। दादी आ गई, अब दोबारा आ जाए, इसके बाद फिर घुसाऊंगा भाई। आ जा, इसका हाथ में कुंडा करूँगा अगली बार, तो आ जा। ओ भाई साहब, ओए ओए ओ भाई, ओए ये क्या है? भाई क्या सीन हो रहा है मेरे साथ भी? भाई अटक कैसे गई ये? मैं तो भाई भाग रहा यहाँ से, तू पड़ी रह, मैं निकल रहा। और इधर क्या सामान था? इसको भी मैं बीच में यहाँ पर रख देता हूँ, बाद में लेने में आसानी होगी। चलो भाई मैं आ गया हूँ यहाँ। और भाई यहाँ भी कुछ मुझे पता था यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। ये क्या मिला है? विंच। भाई विंच हैंडल मिल गया, लेकिन इसका काम क्या है? मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ? काम ढूंढना पड़ेगा। इधर आते हैं सबसे पहले। ये क्या है? खूनी हाथ। कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाओ इसको दबा। ओ भाई साहब, एक और सीक्रेट रूम है ना ये? हाँ भाई साहब, सीक्रेट रूम मिल गया एक और। गलत काम। ओ भाई आवाज़ होगी, दादी आएगी अब। ओ यार देखा, ट्रैप देख रहे हो भाई? दादी के रस्सी बांध रखी हर जगह। और जो गाइज आप ये साइड में ये देख रहे हो ना, अगर मैं भाई 5th डे वाले भी दिन यहाँ से नहीं निकल पाया तो दादी इसमें मेरी गर्दन काट देगी, ठीक है? मेरी नहीं मतलब आई मीन मेरे प्लेयर की। तो चलो भाई, ये क्या भाई? कुआं मिल गया, चलो पानी पीते हैं। ये क्या? ओ भाई मिल गया। अरे भाई मैं इतना ब्रेनी क्यों हूँ? चलो भाई अब इसमें से निकाल देते हैं। ये पानी आएगा क्या इसमें से? मेरा प्लेयर पानी पी के ताकतवर हो जाएगा। भाई क्या आ रहा है? मैं भी हैमर है, हैमर ये। ये क्या है? और ये वॉइस ने पेट पाल रखा क्या यहाँ भी? ताला तोड़ो इसका प्ले हाउस। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। ये क्या है? ओ भाई नहीं, अबे शिट, छी कहाँ गया मैं से गंदे नाले में? बाहर बदबू रख गया। अबे कान ला के फंसा दिया इसने मैं। ये कहाँ गया मैं? चलो यहाँ से निकलते सबसे पहले। ओ भाई हर जगह इसने ताले ठोक रखे अपने। अच्छा अच्छा, ये वही रास्ता, मैं समझ गया भाई, मैं दोबारा वहीं आ चुका हूँ। ओ भाई प्लैंक को हटाते चलो सबसे पहले, दादी ना आ जाए भाई, जल्दी निकल ले, दादी आ गई। सबसे पहले तो यहाँ छुप जाता हूँ। पार्ट ऑफ शॉटगन कुछ नहीं चाहिए भाई। यार दादी नहीं आई, चलो निकलते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये हटाओ, अबे हट रही थी। ओ भाई यहाँ आ गया। मेरा हथौड़ा कहाँ गया? दादी के सिर में हथौड़ा ही तो मारना है। ये क्या रखा है? स्पेशल। आ हाँ गाइस, मुझे पता है स्पेशल की का यूज़ कहाँ होने वाला है। ये इसका यूज़ ऊपर होने वाला है, तो सबसे पहले तो मैं वहीं जाऊँगा। दादी को देख लो पहले, दादी आ रही कि नहीं आ रही। चलो यहाँ से तो निकलते हैं, ट्रैप से बच के भाग लो, भाग लो भाई तुम, भाग लो।
दादी तो आई नहीं यहाँ, निकलना। पूरा देश बोल रहा है एक ही जुबान, सुबह केसरी। विमल बोलो सुबह केसरी। ले दादी मन ने बोल दिया सुबह केसरी, तो छोड़ दे तू भाई। मतलब मैंने इतनी मेहनत करके मैं दोबारा से एक की लेकर आया हूँ, वो मैंने आपको सीन दिखाया नहीं है भाई, मतलब क्या ही बताऊँ। चलो यहाँ से मुझे पता है इसका यूज़ कहाँ होगा, इसका यूज़ होगा यहाँ। ये बड़े नहीं लगी। अब यहाँ गाइज मुझे एक मकड़ी मिलने वाली है, ये मकड़ी का इलाका है गाइज, वो देख रहे आप सामने, मुझे वहाँ मीट रखना होगा। यहाँ बैठ जाता हूँ मैं, दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको मकड़ी दिख जाए तो। ये देखो गाइज, आपको दिख रही है मकड़ी? नहीं दिख रही है, तो भाई सबसे पहले तो मैं अपना मीट लेकर आता हूँ। यहाँ से निकलते हैं। दादी कहाँ है? ओ भाई दादी ना आ जाए यार। चलो गाइज मैंने सबसे पहले जाता हूँ और मैं अपना मीट उठा के लाता हूँ। ये क्या है भाई, किसका माथा मार रखा है इस पेंटिंग पे? ओ भाई दादी आई, आ जा दादी तू आ जा। कहाँ से आएगी ये पेंटिंग? अभी कुछ मुझे चक्कर सा लग रहा है भाई, ताकि शायद मैंने कहीं पढ़ा है इस पेंटिंग के बारे में। देखो यार वो गेट इस दादी ने खोल दिया और हमसे वो गेट खुलता नहीं है, ऐसी कौन सी चाबी ले रही है ये? वो भाई क्या था ये? ओ भाई, अरे सीक्रेट रूम मिल गया, वाह सीक्रेट रूम मिल गया। ओ भाई दादी आ गई, बैठ छुप लो। देख तो नहीं लिया इस दादी ने? ओ भाई देख लिया इसने, मुझे देख लिया। अब नीचे झुकेगी भाई दादी ने, अगर अब की बार भी मुझे नहीं देखा तो दादी अंधी बटेर है, ठीक है? अरे भाई दादी अंधी है भाई, सच्ची में अब तो दादी अंधी है, विश्वास हो रहा है मुझे धीरे धीरे यार, दादी अंधी है। मुँह यहाँ पकड़ लेवा भाई, जब भी देख लेवा मुझे। यहाँ से निकलते हैं और ये ऊपर से दोबारा आ रही, आ जा। अब की बार फिर मारूँगा, फिर रिंगेगी एक दो दो मिनट के लिए। बोल ले काटा लगा मैं तो। चला भाई अपना मीट उठाओ भाई, मीट के लिए आया था मैं, मीट ही भूल गया यार, मीट रख दूँ यहाँ पे भाई। मकड़ी आ जा, निशान ज़्यादा ही गया तो काट भी लेगी वो। ओ भाई कैसे आइए, जल्दी निकल लो भाई, इसका मीट ख़त्म हो गया, मन ना काट लेगी। प्ले हाउस की मिल गई, यस। अरे जाना कहाँ है मुझे? सबसे पहले तो मैं प्ले हाउस की ओर चलता हूँ, सॉरी आई मीन प्ले हाउस की ओर। मुझे पता है प्ले हाउस का है, आपको भी पता होगा, यहाँ है अपना प्ले हाउस। तो गाइस सबसे पहले तो इसका ताला खोल लेता हूँ मैं और अंदर चल के देखते हैं। अभी मैं तो सोचा इसने कुछ कुत्ता वगैरह पाल रखा होगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आई समथिंग इज मिसिंग हियर, मैं समझ गया इधर कोकविल लगेगा, फिर आवाज़ होगी, वाह वाह ये कोकविल लगेगा इधर। उठाओ भाई जल्दी निकल लो यहाँ से, कोकविल शायद लग जाना चाहिए। हाँ कोकविल लग गया, अब क्या है एक और कोकविल लगेगा, वाह वाह। और गाइस मुझे सेकंड कोकविल की तो जगह शायद मुझे पता है, ढूंढता हूँ वहाँ जाके, शायद मैंने इधर देखा था लास्ट टाइम। ओ भाई मैं एक घंटा हो गया ढूंढते, कोकविल नहीं मिला है मुझे, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। ये सारा सामान भी मैंने चेक कर लिया है। ओ भाई दादी आ गई, आ जा। दादी अंधी है भाई, इसको दिखता ही नहीं, देखा कहा था यार, दादी अंधी है इसको कुछ नहीं दिखता है। आ जाने दादी, ओ दिख गया। ओ भाई दिख गया, भागो यहाँ से, मैं निकल लिया। दादी तू उधर से घूमती रहे, मैं इधर से आ जाऊँगा। किधर से आएगी? अरे भाई निकल लो यार यहाँ से। गई दादी उधर गई, तो ओ भाई ऊपर भी नहीं जा सकता यार मैं, ट्रैप लगा रखा है इसने। सामने से काम करता हूँ मैं, अपना क्रॉसबो उठा लेता हूँ, क्रॉसबो मारूँगा इसे दोबारा। उठा ले भाई, यार बटन क्यों नहीं आ रहा? अरे आ जाए तो दादी आओगी, जब आओगा क्या? क्रॉसबो मिल गया, वाह। ट्रैंकुलाइजर जल्दी उठा ले, मरवा होगा भाई, मरवा दिया, मरवा दिया, दादी आ गई। अबे यार शिट, लिटरली मेरे हाथ में था वो। दादी दो सेकंड रोले तोड़ती ना, फेयरिंग थी दो मिनट के लिए। यार दो दिन वैसे रह गए मेरे, पता नहीं निकल पाऊँगा भी या नहीं। ये क्या है? तो भाई अब की बार मैं समझ गया मुझे मेरा काम कैसे बनेगा यार, मुझे साथ के साथ जो भी सामान है साथ के साथ उसके सही ठिकाने पर लेके जाना पड़ेगा। ऐसे तो दिक्कत हो रही है, दादी मेरा काम ही ना होने दे रूँ तो 4 साल लग जाएंगे मुझे भागन भागन में। वो ट्रिक भी मेरी काम नहीं की है। गैसोलीन को सबसे पहले तो मैं अपनी कार में लगा के आता हूँ,
ये देख लो किसका मत्था मार रखा था तीन। नीचे निकल लो भाई, ये कहाँ गया भाई, तो गंदा नाल आ गया यार, फिर बदबू आ रही है, निकलो यहाँ से। ओ भाई दादी आ रही है, दादी आ रही है, गेट बंद कर। मे भी दादी अब चली गई होगी, निकलते हैं बाहर। वाई यहीं खड़ी थी यार वो, मुझे लगा चली गई। चलो कोई नहीं, डे फिफ्थ दी लास्ट डे, लास्ट दिन है, अब की बार भी निकला तो मैं पक्का मरूंगा। दादी मारेगी भाई मुझे, काफ़ी चांस दे लिए दादी ने मुझे। अरे हाय मेरा प्लेयर कितना आलसी हो गया है, पिट पिट के। दादी ने इतने अपने बेसबॉल के बैट मार दिए। निकलो भाई यहाँ से, दादी की दादी आ रही है भाई, शायद अब की बार नहीं छोड़ूंगा भाई, फिर वो गलती मत करियो। अरे उठा ले यार, फिर वो गलती कर दी ना नूबड़े। यार ये प्लेयर उठाता नहीं है, मरवा दिया मैं। ले अब होगा ना, दादी फिर काटेगी मुझे। इस वाले पार्ट में भी नहीं कर पाए हम गाइस, ये वाला हमारा इस पार्ट में भी नहीं कर पाए हम गैन ग्रैनी को पूरा। नफरत को मेरी अब तू सुबह शाम गाइस, अगर आपको मजा आया हो तो लाइक कर देना, मजा ना आया हो जब भी लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।